स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चारों वेदों में, षड् दर्शनों में, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा में, ईश कीन कठ मुंडुक मांडुक्य आदि मूल एकादशोपनिषदों में, रामायण महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में, संपूर्ण वेद परंपरा में, सब योगियों ने ऋषियों ने ओंकार की ही उपासना का विधान किया है। ओंकार अथवा ओंकार सहित गायत्री सावित्री की उपासना के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की विधि का विधान हमारे ऋषियों ने किया। हम ओंकार का वाचिक रूप से जप करते हैं, यह एक प्रक्रिया है, और जप करते हुए अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से होते हुए जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था को दिव्य बनाते हुए अपने तुरीय अवस्था में अपने अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों को शुद्ध करते हुए अपने पंच कोशों को, पंच ज्ञानेन्द्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को, 72,72,30,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नव द्वारों को, पूरे अस्तित्व को ओंकार की उपासना से शुद्ध करते हुए, जैसे ही हम ओम ऐसा बोलते हैं तो मेरा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश परिशुद्ध हो रहा है, मेरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, मेरे अष्ट चक्र शुद्ध हो रहे हैं। ऐसे एक एक चक्र में थोड़े थोड़े वक्त के लिए मन को केंद्रित करना, धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक देश मंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञालोक तस्य भूमिश्व विनियोग प्रातिभातवास तस्य वाचका प्रणवाः तज्जपस्तदर्थ भावना ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इसे एकाक्षर ब्रह्म का बोल करके ध्यान करते हैं तो मूलाधार से लेकर के मन का एक एक बार में, एक एक चक्र में ध्यान करेंगे तो 8 बार यदि हमने ओंकार का वाचिक रूप से जप किया तो हमारे अष्ट चक्रों में एक अदृष्ट शक्ति, शास्त्रों में
धर्म के दो स्वरूप गए, जीवन के भी, आत्मा और परमात्मा के भी, एक मूर्त एक अमूर्त। धर्म का मूर्त स्वरूप यह है कि आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण में दिव्यता हो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे धृति क्षमा धमोस्तेयम् शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षण। एक है हमारा आत्मधर्म, आत्मस्वरूप, हमारी निजता पर, भीतर की दिव्यता पूर्णता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम जैसे ही ओम से उच्चारण करते हैं तो इस दृष्टि के साथ, ये दृष्टि भी बहुत सशक्त है, इस शरीर के एक एक कोशिका, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, एक एक सेल में है, 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के, 37 ट्रिलियन सेल्स का संघात ये शरीर। और यदि हम इसका पूरा एक्सप्रेशन करते हैं, यदि पूरी तरह से हमारे देह की शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती है, मन की, बुद्धि की, चित्त चेतना की शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व हमारे भीतर से उद्बुद्ध हो जाता है। अपने आप को हम पूरी तरह से रूपांतरित कर पाते हैं, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके द्वारा इस सामान्य देह में दिव्य देह की प्रतिष्ठा, दिव्य जन्म की उपलब्धि, ओम ओम का बोल करके, मौन हो करके, उपांशु जप, मानसिक जप और अजपा जप, मन ही मन जप चल रहा है, ओंकार का बोल की जप करना एक प्रक्रिया है। उपांशु, मानसिक, अजप, अजप, एक बार जप किया और ओम में ही खो गए, ओम के ही हो गए। ये
योग से हम अतींद्रिय ज्ञान, अतींद्रिय संवेदना, अतींद्रिय शक्ति सामर्थ्य, अतींद्रिय ऐश्वर्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। योग से जो मूर्त देह, यह तो दिव्य होता ही है, देहातीत अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य में हम प्रतिष्ठित होते हैं, और वहां से जो अतींद्रिय दिव्य ज्ञान, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति से, सब प्रकार की दिव्यता से जब युक्त होते हैं और अपने इस मूल अधिष्ठान में रहते हुए, अपने इस मूल स्वरूप में, अपने इस मूल धर्म में, आत्म धर्म में, इस ब्रह्म धर्म में बरतते हुए जब हम जीवन को जीते हैं, तो योग पूरा सिद्ध होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, संगम त्यक्त्वा करोति। मन ही मन ओंकार का जप, किसी किसी की भाव चेतना इतनी दिव्य, इतनी सात्विक, इतनी श्रेष्ठ होती है, इतनी ऊंची होती है कि एक बार ओम का ही जप करते हैं और ओम में ही खो जाते हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। एक बार ओम बोला और ओम में ही खो गए, ओम में ही तन्मय तद्रूप तदाकार हो गए। ओम के अर्थ बताए महर्षि पतंजलि ने, अवतेरे टेलोब शव धातु से मनन कर प्रत्यय करके टी भाग का लोप करके ओम शब्द निष्पन्न किया और कहा कि ओम का अर्थ है अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धेश। ओमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपाख्यानं भूतं भवित भविष्यति सर्वं ओंकारे यच्चन्यत्र कालातीतं तदप्योंकारे। ओमिति सर्वं, ओमिति ब्रह्म, ओम सर्वं खलविदं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम इति काक्षं ब्रह्म, ओम कृतो स्मर ओम कृभि स्मर ओम कृतम स्मर ओम प्रतिष्ठ। सर्वे विदा यत् पदम आमनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति तत्। प्रणवोधनो शरोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यं शर्वत्तन्मयो भवे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्यतान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादि। और ओम का उच्चारण करते करते अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित एकाग्र करते, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तजो स्थित प्रज्ञ अंतर्मुखी होकर शनै शनै परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग में गीता में कहते हैं, यद्यपि वो ब्रह्म तत्व सर्वत्र है,
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वासुदेव सर्व हरिव्यापक सर्वत्र समान ओम ईशवास्यमिदं सर्वम् ओम सर्वम् खलविदम्। उस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु हम अंतर्मुख्य अपने हृदय में अपने ही मन मंदिर में अपने ही आत्मा में उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। हमारे ऊपर जितने भी बड़े दायित्व हों खेती के बिजनेस के व्यापार के राजनीति के शिक्षा स्वास्थ्य अनुसंधान के लोक कल्याण के लेकिन ध्यान के समय एक ब्रह्म के सिवा एक ओंकार में हम इतने एकाकार तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाएं कि ओंकार की समस्त दिव्यता सहज रूप से हमारे भीतर घटित हो जाए। यदग्ने श्याम अहम त्वम वाघा श्याम सिष्टे सत्याई आशीष। भगवान की उपासना का अर्थ यह भगवान के दिव्य ज्ञान से दिव्य मति से दिव्य भक्ति से दिव्य कृति से युक्त हो जाना। और जब हम भगवान की दिव्यता से युक्त हो जाते हैं तो फिर अज्ञान से अश्रद्धा से अकर्मण्यता से अशुभ से असुरत्व से सब दुरितों से दुर्गुणों से दोषों से तो अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। जब भीतर प्रकाश हुआ प्रणव का तब ये घटना सहज घटित होती है और एक हम दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जिनका चित्त एकाग्र है जिनके भीतर दिव्यता है जिनके अभ्यास हैं उपासना के वे सहज एकाग्र हो जाएंगे। जिनका भी अभ्यास नहीं है वे प्राणायाम का तप करते रहे ओंकार का जप करते रहे मन ही मन तो तन भी शुद्ध हो जाता है इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जितेंद्रियता सहज घटित होती है मन भी और मन बुद्धि चित्त चेतना शुद्ध होती चली जाती है और फिर इस जीवन और जगत का यथार्थ रित सत्य हमें साफ साफ दिखता है। और जब कुछ साफ साफ सब कुछ दिखता है तो फिर अज्ञान मिथ्या ज्ञान सब भ्रांतियां सब भ्रम अपने आप विलीन हो जाते हैं निरस्त हो जाते हैं। इसी को प्रतिप्रसव समाधि का है। कपाल भाती करते रहे अनुलोम विलोम करते रहे जिनका चित्त भी पूरा एकाग्र नहीं है और एक ओंकार में इतने तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाए कि एक ओंकार के सिवा बस और कुछ भी अनुभव में ना आए। यही वेदों का विधान है ओंकार की। ऋग यजुः साम अथर्व में ऐसे ही वेद की उपासना का विधान। हमारे ब्रह्मचारी ऋषि कुमार जो इस ओंकार और गायत्री की उपासना करके अपने जीवन में ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। ब्रह्मचारी संसार तिरोध सियोगे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च साचार्यम तपसा विपर्ति। ब्रह्मचारी समिधा समिथा कार्षम मसानो दीक्षितो दीर्घ ससद्ये पूर्वस्मादुत्तरम समुद्रम लोकान संगृह मुहुराचरिक। ब्रह्मचारी ब्रह्म के साथ इतना तल्लीन तद्रूप एक रूप हो जाता है कि फिर भगवान अपना संपूर्ण ऐश्वर्य उस ब्रह्मचारी को प्रदान करते हैं। ये अथर्ववेद में स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा की। इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च
ती कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व चक्षुश्रोत्रम् यशोस्मा सुधि अन्नम रेतुलोहितमुदरम् तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो तप्यमानः समुद्रे सस्नातु बभ्रो पिंगल पृथिव्यां बहुरोचते। ब्रह्म के साथ इतनी एकात्मता की, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दशों दिशाओं में ब्रह्मेविदम् अमृतम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ध्यान के समय बस एक ब्रह्म में इतनी तन्मयता तद्रूपता, एक ओंकार ब्रह्म के सिवा और यहाँ है ही क्या, सब कुछ उसी से है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। उसी ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी से सब कुछ संचालित है, अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है, आओ हम भी उसमें तल्लीन हो जाए। जिस ओंकार की उपासना का बखान वेद करते हैं, उस ओंकार में हम इतने एकाकार हो जाएं कि हम स्वयं ओंकार में ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहम् शिवोऽहम् का यही तात्पर्य है, हम ब्रह्ममय हो जाएं, ओंकारमय हो जाएं, तन्मय तद्रूप हो जाएं। हिरण्महेन पात्रेण सत्यस्य विहितं मुखं तत्त्वं पोषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओंकार की उपासना करते करते उस हिरण्यगर हिरण्यमय ज्योतिर्मय तेजोमय प्रजापति ईश्वर में भगवान में जो पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्यूलोक में सर्वत्र व्यापक है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश सभी पंचमान भूतों में, ओंकार की जिस उपासना का विधान वेदों में किया है, आइए उसका श्रवण करते हैं और ओंकार के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हुए उसी में तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। ॐ वायुरनिल अमृतम् अथेदम् भस्मान्तम् शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतं स्मर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सुवसौ ऋतु विश्वे देवास आगत दश्वांसु दाशु सहसुतम् ओम त्रिनु अश्विना दिव्यानि भेषज त्रिहि पार्थिवानि त्रिरुदत्तम् अद्भयः ओमानम् संयुर्ममकाय सुनवे त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति
ओम या भीषंताति भवतु ददाशुषे भुज्यं या भीरत्रिगुं ओम या वतिं सुभरा मृतस्तुभं तबीरुषु उतिबिर अश्विनाकतम ओम ओमानमाप मानुषीरमृतम धातुकायतनयाय संयोः यूयं हिष्ट विषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री ओम मनोज्योति चुषता माच्यस्य बृहस्पति यज्ञम इमं तनोत्वरिष्टम यज्ञम समिमं ददातु विश्वे देवास इह मातेयंतम ओम प्रतिष्ठ ओम तस्य वाचकः प्रणवः ओम तज्जपस्तथर्थ भावनम ओम प्रतिष्ठ ओंकार में हम ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए कि शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के शरीर के रोम रोम से लेकर के इस ब्रह्मांड के भी एक एक क्वार्क से लेकर के एक एक एटम से लेकर के ये बड़े बड़े घटक जिनको अभी तक हम पूरी तरह से तो जान भी नहीं पाए एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् तुंजी तुंजी यौत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिण न विंधे यस्य सुष्टतिम् ऐसे भगवान की अनंत महिमा का ध्यान कर अनुभव कर प्रभु तो ही तो कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी महिमा किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया नीत नीत कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया किसी ने है परमेश्वर तेरा किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में सृष्टि के अंदर बाहर तू सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। प्रभु आपकी शरण भक्त्या त्वनन्यः शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। स्वयं में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्म के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करते हुए सब स्वरूपों में एक ही ब्रह्म स्वरूप है, सब संबंध भी उसी से, संबंध भी उसी के नाते, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, और सारा हमारा कार्य, सारी सेवाएं, जीवन का गंतव्य भी वही एक ओंकार है। भगवान के नाते हमें सब कार्यों का निर्वहन करना है। यत करोसि यदस्नासि यज्जहोसि यददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। ऐसी भाव चेतना, ऐसी दिव्य चेतना, ऐसी आध्यात्मिक चेतना हमारी निर्मित हो जाएगी, 24 घंटे उस ब्रह्म के साथ एक आत्म रह करके ही हम अपने एक एक क्षण को, पूरे जीवन को दिव्यता के साथ जिए। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं, जितने विकारी पास हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं हम सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और उत्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी सम मार्ग अपना जो चुके। पावन त्रिवेणी धाम है स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है मलताप त्रय को धो चुके। अब आत्मनिर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ की पथिक है, योग पथ की, वेद पथ की, श्रेय पथ की, सत्य पथ की पथिक है। ओंकार ब्रह्म परमेश्वर एक सत्य और परम सत्य है, ऐसे पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, मौन ध्यान करें। और चित्त की ऐसी स्थिति नहीं है कि मौन ध्यान लंबा न कर पाए, बार बार चित्त में क्षेप हो, व्याधि ध्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया।
तन और मन के इन विक्षेपों को हटाने के लिए फिर विधान किया महर्षि पतंजलि ने कि प्राणायाम करो, प्रसर्धन विधारणा ब्रह्मा प्राणस्य, और अपने आप को अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, अधर्म से, अशुचिता से हटाओ। विशोका वा ज्योतिषमति वीतराग विषम चित्तम निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार निर्विकार निर्विकल्प निर्द्वंद्व निर्वैर हो जाओ। इसमें प्राणायाम बड़ी मदद करता है, तन को भी शुद्ध कर देता है। वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुका है। सारी व्याधियां मिट जाती हैं, सहज समाधि भीतर घटित हो जाती है। तो जिनका तन मन रोगों से, विकारों से, व्याधियों से, विक्षेपों से आक्रांत है, वे मन ही मन ओंकार का ध्यान करें, प्राणायाम का तप करें, ओंकार का जप करें, और धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाए। योग मूलतः शुद्धिकरण की ही साधना, और जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, फिर आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। कुछ गुरु आचार्य ऐसा ही मानते हैं कि मोक्ष तो नित्य ही सिद्ध है, बस जो है उसकी अनुभूति करें, अपने आप को कहीं भूले हुए हैं, पहचाने स्वयं को, तत्त्वमसि तो वही है। प्रज्ञानं ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, शिव अहम् शिव ब्रह्मास्मि। तो जिनका मन अशांत है, वे कपाल भाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते, मूलाधार से सहस्रार तक अंतच्योति को जागृत करते करते, ओंकार की उपासना करते करते, ओंकार ब्रह्म में तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं, जिनका चित्त एकाग्र है, भीतर मन में प्रशांति है, शांति, संतोष है, कामनाओं का वेग नहीं है, वासनाओं के विकारों की आंधी नहीं चल रही है, एक बार ही ओंकार की उपासना करते, ओंकार एक बार बोला और बस ओम में खो गए, ओम के। जिनका चित्त अभी उद्विग्न है, अशांत है, व्याकुलता है, व्यग्रता है, तो फिर वो अधिक बार जप कर सकते हैं, और एक एक बार जप करते हुए शरीर के इंद्रियों के, चित्त के, प्राणों के एक एक घटक को शुद्ध करते हुए मूलाधार से सस्रार तकष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्यां हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। एक बार जब करें तो मूलाधार में ध्यान करें कि मूलाधार से बाईं ओर सीढ़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकल रही है। यूं तो 72,72,10,201 नाड़ियां अष्ट चक्र नव द्वार हैं, पंचकोश हैं, पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं, पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं हैं, पंच पंच का एक पूरा पंचक है, प्रपंच है, और इसमें
शतम चैका हृदयस्य नाड्याः तासाम मूर्धानभि मूर्धानम अभिनिसृतैका तया ऊर्ध्वमायनम अमृतत्वमेति विश्वंगन्ने उत्क्रमणे भवन्त विश्वंगन्ने उत्क्रमणे भवन्त तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषह्यव्यात्म। मूलाधार से ईड़ा पिघला सुसुम्य नाड़ी इनका एक उत्क्रमण प्रारंभ होता है और शरीर इंद्रिया चित्त के शुद्धिकरण की यात्रा शुरू होती है। तो मूलाधार में ध्यान का एक बार ओंकार का जप किया था, दूसरी बार ओंकार का जप करें तो स्वाधिष्ठान। मूलाधार सब शक्तियों का केंद्र है, ज्ञान की उपासना करें। स्वाधिष्ठान शरीर की अशुद्धियों को, तन के विकार, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी को, जितने भी तन के विकार हैं उनको साफ करने वाला है। मणिपुर चक्र पूरे शरीर को संतुलन और शक्ति देने वाला है, खास करके किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी में। पूरा पाचन तंत्र, पूरा शरीर तंत्र हमारा सबल रहे, नाड़ी चक्र पूरा, नाभि चक्र काय व्यूह जाना, सारा शरीर की व्यूह रचना नाभि से नियंत्रित है। हृदय चक्र हमारी संवेदनाओं का केंद्र है, सारी संवेदनाएं राइट डायरेक्शन में, अशुभ संवेदनाओं से, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन रिएक्शंस की चैन है, ये टूट जाए, निरस्त हो जाए, हट जाए। हृदय मंदिर में भगवान एक एक चक्र में भगवान की प्रतिष्ठा की, ओम प्रतिष्ठा की अनुभूति करना। विशुद्धि चक्र ये हमारा ब्रह्मवाक्य, संसार में दो ही सबसे बड़े तत्व हैं जिनसे संसार का सारा प्रपंच चलता है, एक वाणी दूसरा व्यवहार। और जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है उसकी वाणी ब्रह्मगवी हो जाती है, ब्रह्मवाक हो जाती है उसकी, उसकी वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। इसके ऊपर आज जहां ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम है, ज्ञान ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम है, ज्ञान और भक्ति युक्त कृति से ही तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति जिसकी हो गई उसकी जीवन मुक्ति हो जाती है। आज चक्र फिर भ्रकुटी में इस ब्रह्म के साथ बिंदु रूप उसके साथ ऐसे खो गए, बिंदु चक्र बोलो, भ्रकुटी बोलो, और फिर सहस्रार अष्ट चक्रों में ओंकार का ही ध्यान। एक एक बार ओंकार का ऐसे ध्यान करते हैं तो आठों चक्रों में ओंकार की प्रतिष्ठा हो गई। इस पिंड और ब्रह्मांड की ओंकार में ही प्रतिष्ठा है, उसको अनुभव करने का एक उपाय मात्र है। कोई ओम भूम भुआ ओम सौम हौम जन ओम तपह ओम सत्यम, इस प्राणायाम मंत्र का आश्रय लेकर के प्राण से सत्य और परम सत्य की अनुभूति की यात्रा करते हैं। एक एक चक्र में एक एक बार ध्यान करते हैं, अष्ट चक्रों में ओंकार का ध्यान। तो ये देह देवालय शिवालय बन जाता है और हम अपने शिव स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, ओंकार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ओम प्रतिष्ठा, एक एक चक्र में ओंकार की प्रतिष्ठा और अष्ट चक्रों में ओंकार का ध्यान।
मूलाधार से यात्रा शुरू हुई। अब स्वाधिष्ठान में ओंकार का ध्यान है। ऐसे एक एक करके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटि और सहस्रार तक ओंकार का ध्यान करते। इसी को कुंडलिनी जागरण कहा है। से मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्याम रण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावित। अष्ट चक्रों में हमने ओंकार की प्रतिष्ठा की अनुभूति की और हम स्वयं ओम प्रतिष्ठा, ओम में प्रतिष्ठित। कोई एक बार भी ऐसे ओंकार और ओंकार सहित गायत्री की उपासना कर ले तो ओंकार के साथ एककार हो जाते हैं और भगवान अपने दिव्य आशीषों से उसे अभिषिक्त कर देते हैं। यद अग्नि श्याम अहम तुम अखा श्याम स्युष्टि सत्याई आशीष। तो सब मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम
शुभस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदना को ऊपर करेंगे। तो ऐसे हम ओंकार की उपासना करें कि हमने एक बार ओंकार बोला और ओम के साथ एकाकार हो गए। ऐसी हमारी भाव चेतना हो जाए कि हम ओंकार स्वरूप ज्योति स्वरूप ब्रह्म परमात्मा के साथ एकात्म है, उसी में प्रतिष्ठित हैं। सब मेरे साथ बोलेंगे बच्चे, हम भगवान के दिव्य ज्ञान से दिव्य प्रेम से दिव्य शक्ति से दिव्य सामर्थ्य से दिव्य प्रकाश से सदा प्रकाशित हैं। ऐसा हम दिन भर सोचें, इसी भाव चेतना में रहें, तो फिर हमारे जीवन में कोई अज्ञान, मस्तिष्क में अज्ञान नहीं होगा, हृदय में क्या नहीं होगी बोलो, अश्रद्धा नहीं होगी, और जीवन में अकर्मण्यता अधर्म असुरत्व। तो जब अज्ञान अश्रद्धा अकर्मण्यता असुरत्व अधर्म नहीं होगा तो क्या होगा, मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में श्रद्धा और हाथों में कर्म पुरुषार्थ धर्म, यही होगा, यही योग है, यही जीवन है, यही अध्यात्म है। तो भगवान की उपासना ओंकार और गायत्री की उपासना हम इसलिए करते हैं कि हम उसके साथ एक हो जाते हैं, और जो भगवान के साथ एक हो जाते हैं, दो ही विकल्प हमारे जीवन में, एक भगवान है और दूसरा शैतान, एक है भगवान और दूसरा क्या है, एक है ज्ञान दूसरा है अज्ञान, एक ज्ञान एक अज्ञान, एक श्रद्धा एक अश्रद्धा, एक पुरुषार्थ और दूसरा, एक पुरुषार्थ एक प्रमाद है, तो दो में से एक एक ही के साथ एकात्म होंगे ना। तो हम ओंकार और गायत्री की उपासना इसलिए करते हैं कि हम ओंकार के साथ भगवान के साथ एकाकार होकर के रहें। मैं ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होता हूं और भगवान ने फिर मेरे मस्तिष्क में ज्ञान दे रखा है, जो भी मैं निर्णय करता हूं भगवान सही सही निर्णय कराते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, राइट डायरेक्शन। भोर में उठे तो बड़ी गर्मी थी, अभी थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चला दी हैं, सूर्य उदय हो गया लेकिन बादलों ने ढक लिया है, लगता है आज बरसात होने वाली है। तो देखो भगवान जी आसमान से क्या बरसाते हैं, बरसात, पानी कहां ऊपर, कहां पानी टिका हुआ है, ऊपर कोई समुद्र है क्या, तो कहां है समुद्र, धरती में, धरती पर पानी बहुत, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है, कितना हिस्सा रहता है धरती पर पानी का, और अपने शरीर में भी। तो ये भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है, जब हम उसकी उपासना करते हैं ना तो भगवान अपनी सारी शक्ति हमें दे देता है, और फिर हम सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाते हैं, फिर जीवन में जो करते हैं वो श्रेष्ठ ही होता है।